तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है, ये एक सिलेंडर है, घूम रहे, फ्लोर पे बॉक्स पड़ा था, फ्रिक्शन नहीं है, स्लिप हो सकता है ब्लॉक। अगर ये सिलेंडर तेज 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 घूम रहा है तो आप अगर टॉप से देखें तो क्या ये मास आपको घूमते हुए यही नजर आएगा? नहीं आएगा। कहां जाएगा, कहां पड़ा मिलेगा आपको? वहीं पर, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फिर वहीं पर, फिर भी कि फोर्स तो लग नहीं रही, किसी जाके तो टच किया नहीं, कहां मिलेगा? अच्छा, और बेटर, और बेटर, आप एक काम करें, आप एक ड्रम के अंदर है, आप, मैं खड़ा हूं, चलो बहुत तेज 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 ड्रम घूम रहे, मतलब आप उसमें मशीन, वॉशिंग मशीन कपड़े डालते हैं, वो कपड़े आपको वहीं मिलते हैं, क्योंकि जब घूमते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता ना, कैसा होता है, अब मिक्सी में वो कोई दूध डालते हैं और घुमाते हैं, दूध वहीं पड़ा होता है, घूमती रहे मिक्सी, नहीं नहीं बाहर की तरफ नहीं जाता। तो आप, अगर मैं इस कमरे में हूं और ये कमरा बहुत तेज घूम रहा है, तो मैं, फ्रिक्शन नहीं है, मैं दीवार से चिपका मिलूंगा और गोल 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 घूमूंगा, और दीवार नहीं है तो बाहर फेंक दिया जाएगा मेरे को, ऐसे ही होता है। तो मिक्सी का ढक्कन खोल दें और बनाएं कॉफी, घुमाएं, पूरे छिट्टे बाहर ही बाहर हो जाएंगे, ऐसे ही होता है, खुल भी जाता है कभी कभी तो, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मास आपको यहां नहीं दिखेगा, ये मास आपको यहां चिपका दिखेगा, ऐसा क्यों? किसी ने फोर्स तो लगाई नहीं, मैं तो गया नहीं इसको टच करने, कोई नहीं गया, ये अपने आप ही खिसक के पीछे चिपका पड़ा है। और अगर जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे ये उतना ही चिपका मिलेगा और हिल भी नहीं पाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं। अब प्रॉब्लम समझो, जो सिलेंडर है वो घूम रहे, किसने घुमाया सिलेंडर को? चलो आप जाके घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो, आप बाहर से गोल गोल घुमाना शुरू, चलो आपने, अब थक गए, मोटर लगा दो, मोटर से घूम रहे, तो सिलेंडर घूम रहे, सिलेंडर के पास घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल, नाम पे मत जाना सेंट्रीफ्यूगल, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मत छोड़ो ना। कोई चीज अगर घूम रही है, पंखा घूम रहा है, इसके पास क्या है? सेंट्रीपिटल। कोई मोटर घूम रही है और सिलेंडर को घुमा रही है, तो सिलेंडर के पास क्या है? सेंट्रीपिटल, बात खत्म। और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसकी एक्सेलरेशन कहां एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर, डन। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बेचारा बीच में फंस गया, इसको तो नहीं किसने घुमाया। जैसे कार है, कार या ट्रेन है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, फंस वो बैग गया, जो जमीन में पड़ा था वो तो नहीं एक्सेलरेट हो रहा था, तो बैग कहां मिलेगा? पीछे। क्या लगेगी? सूडो फोर्स। अब अगर मान लो इस ट्रेन की जगह ये सिलेंडर घूम रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, और इसकी एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर, अंदर पड़े सामान पे क्या लगेगी? सूडो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। हमने क्या रूल सीखा था सूडो फोर्स का? अगर ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रही है, सामान पीछे एक्सेलरेट करेगा विद सेम एक्सेलरेशन। अगर सिलेंडर सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं टुवर्ड सेंटर, सामान कहां जाएगा? अवे फ्रॉम सेंटर। तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लगेगी? सेंट्रिपिटल, अवे फ्रॉम सेंटर। और अगर मैं ये पूछूं इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी फोर्स लगेगी आउटवर्ड, जो इसे बाहर फेंकेगी उठा के। तो एग्जांपल है, करके देख लेते हैं, ये पंखा घूम रहा है, इसके पास क्या है? सेंट्रिपिटल। ऊपर जाके रखता हूं एक कॉइन, चलते पंखे के ऊपर, कॉइन टिकेगा ही नहीं, उठा के बाहर फेंक देगा कॉइन को। क्यों? क्योंकि कॉइन को क्या मिलेगी? सूडो फोर्स। कि पंखे को तो मिल गई सेंट्रिपिटल टुवर्ड सेंटर, इसकी एक्सेलरेशन तो है टुवर्ड सेंटर, कॉइन के ऊपर क्या मिलेगी? एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम सेंटर, राइट? तो एक्चुअल बॉडी जो है घूम रही है, उसके पास तो सेंट्रिपिटल टुवर्ड सेंटर है, अंदर सामान जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर है, क्लियर है? तो ऐसी फोर्स जो लगाई नहीं जाती है पर फिर भी लगती है, तो यानी कि जो सिलेंडर एक्सेलरेट कर रहा है वो कौन सा फ्रेम था? नॉन इनर्शियल। एक्सेलरेटेड सिस्टम क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल। और ये इसके ऊपर नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बनाने के लिए क्या लगानी होती है? सूडो फोर्स। जो रीजन है ये बाहर क्यों जा रहा है, इस सूडो फोर्स को, इस सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम, एक्सेलरेशन की जगह सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला सेम है। तो ये जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ नहीं लग रही, सेंटर से बाहर लग रही है, अवे फ्रॉम सेंटर लग रही है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा नाम सूडो फोर्स ही है, राइट? तो एक फोर्स है सेंट्रीपिटल, एक सूडो फोर्स, और यहां पर इसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ जी, ठीक है यहां तक। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां एक्ट करेगी?
अवे फ्रॉम सेंटर, राइट? समझ में आ रहा है यहां तक? क्वेश्चन नंबर वन, क्या सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बॉडी पे लग सकती है? इसमें बोलो कहां कहां लग रही है। सेंट्रीपेटल कहां पे लग रही है? सिलेंडर। सेंट्रीफ्यूगल कहां लग रही है? ब्लॉक पे। तो नहीं लग सकती, या तो बॉडी सर्कल में घूम रही है या उसका पार्ट है और अवे उसको फेंक दिया जाएगा। ये नहीं होता सिलेंडर खुद लगाए सेंट्रीपेटल खुद गए अपने ऊपर क्या लगाऊंगी सूडो फोर्स, नहीं ये नहीं हो सकता। एक बॉडी एक्सेलरेशन जनरेट करेगी और बाकियों पर क्या लगेगी सूडो फोर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? अवे फ्रॉम सेंटर, और सेंट्रीपेटल टुवर्ड्स सेंटर। क्या पूछा था क्वेश्चन तुमने?